देर रात ईरान ने इसराइल पर अटैक कर दिया है। बताया जा रहा है कि 300 से भी ज्यादा ड्रोन्स और मिसाइल से अटैक किया गया है। हालांकि ईरान के इस हमले से इसराइल को कुछ ज्यादा नुकसान अब तक तो नहीं हुआ है, लेकिन इसराइल के एक एयरबेस पर थोड़े नुकसान की खबर है। एक बार फिर छिड़ी इस जंग के बीच इसराइल के जेरूशलम समेत कई शहरों में धमाके और सायरन की आवाज सुनी जा रही है। पूरे देश में किलाबंदी कर दी गई है और इसराइल की सेना के एयर डिफेंस सिस्टम अब एक्टिवेट है। सेना हाई अलर्ट पर है। बताया जा रहा है कि ईरान अब इसराइल पर और भी हमले कर सकता है। इस वीडियो में बात करते हैं ईरान और इसराइल की दुश्मनी की और इस लड़ाई की, ये कितनी पुरानी है, दोनों देश एक दूसरे को क्यों पसंद नहीं करते हैं और अभी जो जंग छिड़ी है इसका मुख्य कारण क्या है। हेलो एवरीवन, आई एम हिमांशु एंड यू आर वॉचिंग अनकट। ईरान और इसराइल लंबे वक्त से एक दूसरे से प्रॉक्सी वॉर लड़ रहे हैं। हालांकि इससे पहले इन दोनों देशों के बीच कभी भी सीधी लड़ाई या इतनी बड़ी जंग नहीं हुई है, लेकिन दोनों देश एक दूसरे पर कई तरह के आरोप लगाते हैं। इसराइल का आरोप है कि ईरान अक्सर हमास और हिजबुल्ला जैसे संगठनों के जरिए इसराइल या उसके दूतावास पर हमले करवाता रहता है और फिर इसराइल इसका जवाब हमास या हिजबुल्ला के ठिकानों पर अटैक करके देता है। लेकिन आज जो इन दोनों देशों के बीच दुश्मनी है वो हमेशा से नहीं थी। पहले ये दोनों देश अच्छे खासे दोस्त हुआ करते थे। बात है साल 1948 की, जब मिडिल ईस्ट में फिलिस्तीन की जगह पर एक इसराइल नाम का नया यहूदी देश बनाया गया। इस देश को ज्यादातर मुस्लिम देशों ने मान्यता देने से इनकार कर दिया था, लेकिन तुर्की के बाद ईरान दूसरा मुस्लिम देश था जिसने इसराइल को मान्यता दी थी। साल 1948 में इसराइल को देश के तौर पर स्वीकार कर लिया था, लेकिन उस वक्त ईरान ने कभी भी खुले तौर पर इसराइल के साथ दोस्ती का इजहार नहीं किया था। ये सभी चीजें पर्दे के पीछे से चल रही थी, लेकिन तभी साल 1953 में अमेरिका ने ईरान के अंदर एक ऑपरेशन शुरू कर दिया। अमेरिका चाहता था कि वो ईरान की चुनी हुई सरकार को गिराकर वहां अपने पसंद की सरकार बिठा सके। शुरुआती मौकों पर तो अमेरिका असफल रहा, लेकिन फिर 19 अगस्त 1953 में अमेरिका ने भाड़े के लोग किराए पर ले लिए और फिर ईरान के राज परिवार को वापस सत्ता में लाने के लिए एक आंदोलन शुरू कर पा दिया। इसका असर भी हुआ और ईरान की चुने हुए राष्ट्रपति मोहम्मद मुसादेक को इस्तीफा देना पड़ा। सत्ता आई शाह रजा पहलवी के पास। ईरान की इस अमेरिका की कठपुतली वाली सरकार की इसराइल से अच्छी खासी दोस्ती थी। उस वक्त ईरान इसराइल का सबसे बड़ा तेल इम्पोर्टर देश भी था। करीब 1 लाख यहूदी उस वक्त ईरान के अंदर रहा करते थे। ईरान की खुफिया एजेंसी सवाक को इसराइल खुफिया एजेंसी मुसाद ट्रेनिंग दिया करती थी, लेकिन साल 1979 आते आते दोनों दोस्त दुश्मन में बदल जाते हैं। कारण होता है ईरान में सत्ता का परिवर्तन। दरअसल ईरान के नेता आयतुल्लाह खुमैनी ईरान को मुस्लिम देश बनाना चाहते थे और साथ ही साथ वो अमेरिका और उसके सहयोगी देश के विरोधी भी थे। खुमैनी साल 1964 से इराक में रह रहे थे और वहीं से ईरान में इस्लामिक आंदोलन चला रहे थे। 1978 में उन्हें सफलता भी मिली। खुमैनी के जुटाए करीब 20 लाख लोग ईरान की शाह रजा पहलवी सरकार के खिलाफ तेहरान के शाहयाद चौक पर इकट्ठा हो गए। इतनी बड़ी भीड़ पर ईरान की सेना ने भी एक्शन लेने से इनकार कर दिया और फिर शाह रजा को देश छोड़कर भागना पड़ा। इसके बाद सत्ता में एंट्री हुई खुमैनी की। सत्ता में आते खुमैनी ने ईरान को मुस्लिम देश घोषित कर दिया और अमेरिका को बड़ा शैतान और इसराइल को छोटा शैतान बताया। साथ ही साथ इन दोनों देशों से सारे संबंध तोड़ दिए। साल 1948 से एक दूसरे के दोस्त रहे ईरान और इसराइल के लोग अब एक दूसरे के देश नहीं जा सकते थे, लेकिन जब साल 1980 में इराक के तानाशाह सद्दाम हुसैन ने ईरान के खिलाफ जंग छेड़ा, तब भी इसराइल ने बैकडोर से ईरान को हथियार सप्लाई किया था। यहां तक कि अमेरिका ने भी ईरान को हथियार दिए थे। इसके जरिए इसराइल ईरान से संबंध तो सुधारना चाहता ही था, साथ ही साथ अपने वेपन्स के लिए मार्केट भी तैयार करना चाह रहा था, लेकिन ईरान के साथ उसके संबंध नहीं सुधरे। संबंधों में खटास तब और आ गई जब ईरान इराक के साथ वॉर खत्म होने के बाद न्यूक्लियर वेपन बनाने की कोशिश करने लगा। इसराइल को यह कतई गवारा नहीं था कि उसका कोई भी पड़ोसी देश न्यूक्लियर हथियार बना पाए और इसी के साथ ये दोस्ती धीरे धीरे दुश्मनी में बदल गई। इसी न्यूक्लियर वेपन ने ईरान और इसराइल के बीच अच्छी खासी दुश्मनी खड़ी कर दी है।
कुछ वक्त पहले इसराइल ने ईरान के एक न्यूक्लियर साइंटिस्ट के गाड़ी पर अटैक करवाया था। इतना ही नहीं, जब हमास के साथ चल रही वॉर के बीच ईरान ने हमास के समर्थन में बयान दिए थे, तब भी इसराइल ने अपना गुस्सा जाहिर किया था। कुछ ही दिनों पहले इसराइल ने सीरिया में मौजूद ईरान के दूतावास पर अटैक किया। इस हमले में ईरान के दो बड़े सेना के अधिकारी समेत 13 ईरानी नागरिकों की मौत हो गई। और अब जो ईरान ने इसराइल पर ये अटैक किया है, ये इन्हीं सभी हमलों का बदला माना जा रहा है। करीब 300 रॉकेट्स और ड्रोन से इसराइल के ऊपर अटैक हुए हैं। ईरान ने इस हमले का नाम दिया है ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस। ईरान के विदेश मंत्री का कहना है कि ईरान किसी भी तरह के सैन्य आक्रमण से अपनी सुरक्षा के लिए कोई भी कदम उठाने से हिचकेगा नहीं। ईरान के सुप्रीम नेता आयतुल्लाह खामनेई ने इसराइल को चेतावनी दी है। खामनेई का कहना है कि इसराइल को सजा मिलेगी, इसराइल की दुष्ट सरकार को दंडित किया जाएगा। वहीं इसराइल इधर डिफेंसिव मोड में बैठा हुआ है। इसराइल का कहना है कि वो लगातार अमेरिका और यूरोपियन देशों के संपर्क में है। अमेरिकी राष्ट्रपति ने उन्हें पूरी तरह से समर्थन देने और इसराइल के सुरक्षा के प्रति प्रतिबंधित बताया है। अब दोनों देशों के बीच जंग की शुरुआत हो चुकी है। ईरान ने अटैक कर दिया है और अब इसराइल के पलटवार की बारी है। आने वाले वक्त में इस मामले में जो भी अपडेट सामने आएंगे वो हम आपको बताते रहेंगे। तब तक के लिए अगर इस वीडियो से मिली जानकारी आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल अनकट को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।